दिल्ली चलते हैं रायपुर, जहां पर कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। दृष्टिगत हो रहा है देश के संविधान के अनुच्छेद 14 को देश के सभी वर्गों के व्यक्तियों की समानता के अधिकार और कानून के अंतर्गत समानता की गारंटी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि संविधान की इस मूल भावना के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जाए। जनमानस में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एवं गरीब तबके एवं असाक्षर लोगों को असुविधा ना हो, देश में शांति बनी रहे एवं संविधान की मूल अवधारणा सुरक्षित रहे, इन सबके दृष्टिगत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाए गए संशोधन को वापिस लिए जाने का प्रदेशवासियों की ओर से आपसे अनुरोध है। आशा है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। कुछ और प्रस्ताव आज की बैठक में पारित हुए। पहला पड़ा वो प्रस्ताव था, दूसरा पड़ा वो पत्र था। चल जाएगा तो बाकी 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 दो दो अलग अलग बातें हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा का नोटिफिकेशन होने जा रहा है, हम विधानसभा में भी इस प्रस्ताव पारित करेंगे और छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के विपरीत छत्तीसगढ़ में हमने अभी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। विधानसभा में जो प्रस्ताव आएगा ये क्या स्वरूप में रहेगा, किस तरीके से संकल्प के रूप में आएगा, साक्षी संकल्प? अब ये तय करेंगे, प्रस्ताव चूंकि आज मंत्रिपरिषद से हम लोगों ने पारित किया है, इसको शासकीय संकल्प के रूप में लाएं या शासकीय प्रस्ताव के रूप में लाएं, लेकिन विधानसभा से भी इसको हम लोग पारित करा के केंद्र को प्रेषित करेंगे। लेकिन सर ये तो अब मैंडेट हो गए, इसे लागू करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन था वो आप पहले यूज कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यूज कर चुकी है, अब इसको लागू ही करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़ की 3/4 बहुमत से जीती हुई उनके आस्था के विश्वास की सरकार है, हम यहाँ की भावनाओं को केंद्र सरकार को अवगत करा रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है, 3/4 बहुमत से चुनी हुई सरकार के बारे में अगर किंचित मात्र भी इतनी कल्पना वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ संविधान की उनको जानकारी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ अभी 4-5 राज्यों में हो गया है, आप देखिएगा धीरे धीरे देश में इसके विरोध में सड़कों पे नौजवान उतर गए हैं, इस कानून को वापस लेना ही होगा। आपने जो बताया है वो वापस लेने का आग्रह नहीं है, या वापस लेने का आग्रह है, या आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे? अभी जो मैं पत्र में पढ़ के सुनाया वो वापस लेने का आग्रह है। और जो प्रस्ताव आप विधानसभा में देंगे सर वो क्या होगा? अभी तो हमने जो प्रस्ताव जो मूल रूप से मंत्रिपरिषद में अभी तो आग्रह कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ कितने लोग आ रहे हैं, इससे प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं? अभी उसकी संख्या नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 43% भूभाग फॉरेस्ट एरिया में है, हमारे 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और 13% आबादी अनुसूचित जाति की है। आज भी छत्तीसगढ़ में अगर 2 पीढ़ी के पहले का सर्टिफिकेशन के बारे में आप जानकारी लेंगे तो 80-85% लोग इससे बाहर हो जाएंगे। हमें नागरिक, मैं फिर से कह रहा हूँ, नागरिकता संशोधन जो कानून अभी आ रहा है, एक्ट आ रहा है, उसमें भी अगर हमको साबित करना पड़े हम यहाँ के नागरिक हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। अभी तो हम इसीलिए आग्रह भर कर रहे हैं, अभी तो मैं आग्रह ही कर रहा हूँ। हाँ, सीए के लिए आग्रह कर रहे हैं कि इसको लागू नहीं किया जाए। आगे प्रस्ताव, हाँ हाँ, हमने कहा ना छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक हुआ है। धान खरीदी के बारे में मंत्रिपरिषद में आज समीक्षा की गई,
आज तारीख तक जो 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है, कल शाम तक का जो रिपोर्ट है 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुके हैं। जो पंजीकृत कुल किसान थे 19.5 लाख, उसमें लगभग 15 लाख किसानों की धान को खरीदी किया जा चुका है। पंजीकृत किसानों में लगभग 2.5-3 लाख किसान अभी शेष हैं, जिनके धान खरीदी अभी 15 दिन उसके लिए शेष है। 11,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, इसके बारे में समीक्षा किया गया। तारीख बढ़ा रही है, अभी तो 15 दिन है बोला ना। एक और महत्वपूर्ण संशोधन सहकारी सोसाइटी एक्ट में प्रस्तावित किया गया, जिसको अध्यादेश के माध्यम से अभी जारी किया जाएगा। जो सहकारी सोसाइटी होती है उसके विपणन में, उसके फंडिंग में, उसके एक्टिविटीज में, उसके सपोर्ट के लिए निजी क्षेत्र की भी अगर कोई भागीदारी जोड़ना चाहे, उसको राज्य सरकार की अनुमति से ये अमेंडमेंट करके ये प्रस्ताव पारित किया कि इसकी भी अनुमति उसको दी जाएगी। और एक प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण, शुरू में छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था और उसमें सारे विभागों के विकास के संदर्भ में विषय शामिल थे। क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विभिन्न सिंचाई की परियोजनाएं, अभी बहुत ज़्यादा कुछ नाम मैं पहले अपने आप सबसे चर्चा में बता चुका हूँ, लेकिन अब बजट चूंकि अब बनने जा रहा है इसलिए कौन कौन सी बड़ी परियोजना आने वाली है उसको अब बजट के भाषण में ही उल्लेख करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को अब आने वाले बजट में लेंगे, और इसके लिए छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण, उसी प्राधिकरण को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको सिंचाई विभाग के प्रशासकीय विभाग बना करके उसको बना दिया गया है। वो बड़ी परियोजनाओं को लेने की आने वाले समय में हम उसको कार्य करेंगे। और एक सबसे और महत्वपूर्ण जो आज की बैठक में छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, उसको आदरणीय खेल और युवा कल्याण मंत्री जी आपके समक्ष, अब पूरा हो जान देना, पूरा हो जान देना अभी उसमें दे पूरा बोल लूंगा। छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण की पहली बैठक आज हुई और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य सदस्य जो बनाने हैं, 2 सांसद 5 विधायक और 2 खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ीगण, उनके बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी तरह से जो खेल अकेडमी बनाने था उसके लिए जो कार्यकारिणी बनी है खेल विकास प्राधिकरण को, उनको अधिकृत किया गया है कि वो सभी उद्योगों से और PPP मॉडल से इस अकेडमी को विस्तार करने के लिए उस पर काम शुरू करें। और एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि खेल विकास प्राधिकरण से खेल के लिए जितने भी विभागों में जो बजट आवंटन है उन सबको एक सम्मिलित करके एक चाहे ताकि किसी भी विभाग में डुप्लीकेसी ना हो और एक संयुक्त रूप से खेल के विकास के लिए सारे बजट का उपयोग किया जाए। स्टेडियम अलग अलग जो 12 स्टेडियम है उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उस पर अकेडमी बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज हुई। धन्यवाद। कोई प्रश्न का योग प्रश्न हो जाना, अब शुरुआत जैसे अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कवर्धा में हमारा शुगर केन पे आधारित शक्कर का कारखाना है। अब केंद्र सरकार से लगातार अभी 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस से चर्चा की थी, हम बायोएथनॉल बनाने के लिए भी ऐसे प्लांट का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र। और चलिए इस बीच अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया बजट